जय हिंद दोस्तों। दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि UPCL असिस्टेंट इंजीनियर एंड अदर पोस्ट ऑनलाइन फॉर्म 2021 के बारे में कि कैसे आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाओगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर फॉर्म फिलअप प्रोसेस पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए जिससे कि आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल पाए। एंड दोस्तों इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए क्योंकि आपके एक लाइक करने से मुझे काफी सारा मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं आपके लिए आगे भी इस प्रकार के जॉब अपडेट लेकर के आता रहूं। अब चलिए बात करते हैं इस भर्ती के बारे में। तो ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है और आप यहां पर देख सकते हो कि आपका इस भर्ती का अनाउंसमेंट किया है। अगर आप इस भर्ती के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में जानना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, आपको गूगल के अंदर जॉब्स ज्ञान सर्च करना है और यहां से आपको इस वेबसाइट को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहां पर आपको टुडे बेस्ट जॉब के अंदर यूपीसीएल रिक्रूटमेंट देखने को मिल जाएगी। आपको इसको ओपन करके कंप्लीट जानकारी देख लेनी है। अभी अंडर प्रोसेसिंग या रिक्रूटमेंट की जानकारी देने का जो पेज है वो जल्द ही पब्लिश कर दिया जाएगा, आप यहां से जानकारी चेक कर पाएंगे। चेक करने के बाद आपको यहां पर अप्लाई ऑनलाइन लिंक के ऊपर क्लिक करने के बाद इस इंटरफेस पर आ जाना है जहां पर आपको बेसिकली ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक दिया है। और यहां पर आप देख सकते हैं कि आपको लिंक दिया है कि क्लिक हियर टू अप्लाई फॉर वेरियस पोस्ट इन यूपीसीएल। तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है इसमें अप्लाई करने के लिए। और अगर आप एलिजिबिलिटी की जानकारी इसी वीडियो के अंदर भी देखना चाहते हैं तो आप यहां पर देख सकते हैं कि किस पोस्ट के लिए कितने पद निकाले, उस पर आपको क्या सैलरी दी जाएगी, क्वालिफिकेशन आपसे क्या मांगी गई है। बेसिकली आप वेबसाइट के ऊपर चेक कर लीजिएगा, वहां पर आपको डिटेल्ड में सब जानकारी देखने को मिल जाएगी। तो अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना है, आपको यहां पर इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने यहां पर जो रजिस्ट्रेशन का पेज है वो आ जाएगा। इसमें आपको यहां पर क्या करना है, आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है जो कि आपका वैलिड मोबाइल नंबर होना चाहिए। यहां पर आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है और ये भी आपकी वैलिड होनी चाहिए। इसको एंटर करने के बाद नीचे आप देखोगे फुल नेम ऑफ कैंडिडेट, यहां पर दोस्तों आपको अपना पूरा नाम 10th की मार्कशीट के अनुसार भर देना है। भरने के बाद ये जो कैप्चा कोड है, ये कैप्चा कोड यहां पर आपको डालना है। डालने के बाद आपको इन तीनों जानकारी को अच्छे से चेक करना है क्योंकि बाद में एडिट का मौका नहीं दिया जाएगा। और श्योर होकर के आपको रजिस्टर के ऊपर क्लिक करना है। रजिस्टर के ऊपर क्लिक करने के बाद यहां पर जो आपने नंबर दिया था इसके ऊपर एक वेरिफिकेशन कोड आया होगा, वो आपका लॉग इन पासवर्ड है। आपको यहां पर सबमिट के ऊपर क्लिक करना है इसको एंटर करने के बाद में। और इसके बाद आप देखोगे कि आपके सामने यहां पर आपकी ये जानकारी आ चुकी है। अब आपको एक एक करके इन सभी जानकारी को यहां पर फिलअप करना है। पोस्ट अप्लाइड फॉर यानी कि यहां पर जो आपकी नोटिफिकेशन के अंदर पोस्ट दी गई है इनमें आप कौन सी पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हैं, मैं आपको यहां पर जो आपकी वेबसाइट है असिस्टेंट आपकी जो पोस्ट है असिस्टेंट इंजीनियर की इस पर अप्लाई करके दिखाता हूं। तो चलिए हम यहां से असिस्टेंट इंजीनियर सेलेक्ट कर लेते हैं। इसमें आपके अलग अलग डिसिप्लिन है तो जिस डिसिप्लिन में आपको अप्लाई करना है वही आपको चूज करना होगा। इसको चूज करने के बाद यहां रजिस्ट्रेशन नंबर यहां पर आपका दिया गया, फुल नेम यहां पर है आपका और फादर नेम आपको अपना एंटर करना है। अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आपको अपने पति का नाम यहां पर देना होगा। इसके बाद आपको अपनी माता जी का नाम यहां पर देना है। जेंडर आपका जो भी हो यहां से आपको सिलेक्ट कर लेना है। मैरिटल स्टेटस आपका क्या है वो आपको सिलेक्ट करना है। इसके बाद दोस्तों यहां पर आपको अपने परमानेंट एड्रेस की जानकारी देनी है, तो जो भी आपका हाउस नंबर है वो यहां पर आप डाल दीजिए और जो भी आपकी लोकेलिटी है वो यहां पर आपको एंटर करना है। फिर यहां पर दोस्तों लैंडमार्क जो भी है, सिटी का नाम आपका क्या है वो आपको यहां पर फिलअप करना है। डिस्ट्रिक्ट आपकी जो भी है यहां से आपको एंटर कर देनी है। इसको एंटर करने के बाद यहां से आपकी जो स्टेट है वो स्टेट यहां से आप चूज कर लीजिए और आपके पोस्ट ऑफिस डिस्ट्रिक्ट का पिन कोड क्या है वो यहां पर एंटर कर दीजिए। अगर आपका परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो यहां पर टिक कर दीजिए। इसको टिक करने के बाद दोस्तों ये जानकारी ऑटोमेटिकली नीचे भी सेव हो जाएगी। फिर आती है कॉन्टैक्ट डिटेल। यहां पर दोस्तों अगर आपके पास एसटीडी का फोन नंबर है वो यहां पर आपको दे देना है, नहीं तो आपको यहां पर कोई अल्टरनेटिव नंबर जो आपने अभी एक रजिस्टर किया इसके अलावा अगर देना है कोई नंबर तो आप यहां पर दे सकते हैं, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ दीजिए। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ, तो आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है 10th की मार्कशीट के अनुसार वही डेट ऑफ बर्थ आपको इस प्रकार से चूज करनी है। पहले यहां से आपका जो भी ईयर है वो ईयर चूज कीजिए, फिर यहां से मंथ और इसके बाद में डे, तो आपकी DOB आ जाएगी। ये फिल करने के बाद नेशनलिटी में आपको इंडियन या फिर अदर चूज करना है। रिलीजन आपका जो भी है यहां से आपको सिलेक्ट कर लेना है। डोमेस्टाइल ऑफ उत्तराखंड स्टेट फॉर बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन, इसमें कैंडिडेट ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं बट जो रिजर्वेशन का फायदा है वो सिर्फ उत्तराखंड कैंडिडेट को ही मिलेगा, यानी कि वही कैटेगरी चूज कर पाएंगे, अन्य स्टेट के कैंडिडेट यहां पर जनरल में रखे जाएंगे। तो मैं यहां से नो कर देता हूं क्योंकि मैं उत्तराखंड से नहीं हूं।
नो करने के बाद दोस्तों आप यहां पर देखोगे कैटेगरी में ऑटोमेटिकली आपकी कैटेगरी अनरिजर्व्ड आ चुकी है। अगर आप यहां पर यस करते हो तो आप अपनी कैटेगरी चूज कर पाएंगे जो भी आपकी उत्तराखंड के अंदर कैटेगरी है जो कि यहां पर मेंशन करके रखी है। जो आपकी सब कास्ट है या फिर सब कैटेगरी है वो भी आप यहाँ से चूज कर पाएंगे जो कि इसके अंदर है। अगर आप अन्य स्टेट से तो आपके ऊपर ये नोट एप्लीकेबल आएगी, और अगर आप उत्तराखंड से भी है और तब भी आपके ऊपर इनमें से कोई कैटेगरी एप्लीकेबल नहीं होती तो तब भी आप यहाँ पर नोट एप्लीकेबल चूज कीजिएगा। आर यू एम्प्लॉयड इन एनी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज, कि आप किसी गवर्नमेंट विभाग में काम करते हैं, अगर हाँ तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। नो करने के बाद क्या आपके खिलाफ कोई आपराधिक मामला है, अगर है तो यस कीजिए, नहीं तो यहां पर भी आपको नो करना है। इसके बाद दोस्तों आइडेंटिटी प्रूफ ऑफ कैंडिडेट, तो यहां पर इनमें से आप कौन सी आईडी देना चाहते हो, आपके पास इनमें से कोई एक आईडी होनी आवश्यक है, नहीं तो आप फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। तो चलिए हम यहां से आधार कार्ड सेलेक्ट करते हैं। जो भी आईडी आपने चूज किया उस आईडी का नंबर यहां पर एंटर कर दीजिए। फर्स्ट चॉइस ऑफ रिटर्न एग्जाम, यानी कि जो आपका रिटर्न एग्जाम है वो इन लोकेशन पर होगा, तो इन लोकेशन में से आपको कौन सी फर्स्ट प्रेफरेंस देनी है वो आपको चूज करना है। सेकंड चॉइस आप क्या देना चाहते हो वो यहां से आपको सेलेक्ट कर लेना है। ये करने के बाद जितनी भी जानकारी आपने भरी उनको चेक करना है, और चेक करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद दोस्तों आपके सामने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस की जानकारी आ जाएगी, और मैं आपको बता दूं कि यहां पर इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपसे जरूरी रूप से कोई जो एक्सपीरियंस है वो नहीं मांगा है, सिर्फ यहां पर आपसे क्वालिफिकेशन मांगी है। तो जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है इसके अकॉर्डिंग वो आपको यहां पर फिलअप करनी है। फिलअप आपको कैसे करनी है वो आप यहां पर जान लीजिए। नेम ऑफ एग्जामिनेशन के अंदर आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहां पर दसवीं की जानकारी फिल करनी है, आपने दसवीं कौन से ईयर के अंदर पास कर ली थी वो आपको ईयर सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपने किस बोर्ड से की थी उस बोर्ड का नाम यहां पर आपको डालना है। प्राप्त अंक यानी कि कितने नंबर आपको आए थे वो यहां पर डालना है, और कितने में से आए थे वो आपको यहां पर एंटर करना है। आपके नंबर किसके अंदर थे तो यहां से मैं परसेंटेज सेलेक्ट कर लेता हूं। ये सिलेक्ट करने के बाद आपकी परसेंटेज कितनी थी वो आपको एंटर करनी है। सब्जेक्ट ग्रेड में यहां पर बेसिकली आपको ऑल सब्जेक्ट टेंथ की जानकारी में भर देना है। ये भरने के बाद आपको यहां पर सेव के ऊपर क्लिक करना है। सेव के ऊपर क्लिक करने के बाद ये जानकारी आपकी यहां पर सेव हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों आपको यहां पर क्लिक करना है। अगर आपने 12वीं भी की है तो 12वीं की जानकारी यहां पर सिलेक्ट कर लीजिए और सेम तरीके से जानकारी भर दीजिए जैसे कि आपने 10th की जानकारी भरी है। बस आपको सब्जेक्ट ग्रेड में यहां पर अपना वो लिखना है कि आपने जो आपकी 12वीं कौन से सब्जेक्ट के साथ की थी, पीसीएम, पीसीबी, आर्ट, साइंस, जो भी है वो आपको यहां पर देना होगा। आप चाहते हो कि करके सब्जेक्ट के नाम भी लिख सकते हैं। इस जानकारी को सेव करने के बाद फिर से आपको यहां पर क्लिक करना है, और जो आपकी 3 ईयर इंजीनियरिंग डिप्लोमा है वो या फिर जो आपकी ग्रेजुएशन है वो आपको सेलेक्ट करनी होगी। अगर आप यहाँ पर क्वालिफिकेशन पर जाएंगे तो आपको जानने को मिल जाएगा कि किस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए एग्जैक्टली क्या क्वालिफिकेशन मांगी। यहाँ पर बैचलर डिग्री मांगी जो कि आपकी इनमें से किसी एक डिसिप्लिन में होनी चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों आपको जो आपकी डिग्री है वो आपको सेलेक्ट कर लेनी है। सेलेक्ट करने के बाद ईयर चूज करना है, किस यूनिवर्सिटी से की है उस यूनिवर्सिटी का नाम आपको पूरा देना होगा। मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है क्योंकि मैं थोड़ा टाइम बचा रहा हूँ आपको जानकारी एक्सप्लेन करने की वजह से। और यहाँ पर कितने नंबर आपको प्राप्त हुए थे वो आपको एंटर करना है, कितने में से आए थे वो यहाँ पर आपको डालना है, आपकी परसेंटेज का सिस्टम क्या था वो यहाँ पर आपको डाल देना है, और आपके जो ट्रेड है या फिर ब्रांच है वो कौन सी है वो यहाँ पर आपको एंटर करना होगा। ये जानकारी सेव करने के बाद आप देखोगे कि आप यहाँ पर इस जानकारी को चेक कर सकते हैं, और नीचे आपके सामने एक्सपीरियंस की जानकारी आती है। तो अगर आप ऐसी पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हैं जिस पर एक्सपीरियंस भी चाहिए तो उसको कैसे भरना है वो आप यहाँ पर देख लीजिए। आपको एम्प्लॉयर नेम के अंदर उस बंदे या फिर उस कंपनी का नाम देना है जहाँ पर आपने काम किया है। डेजिग्नेशन में आपको उस पोस्ट का नाम देना है जिस पोस्ट पर आपने काम किया है। प्रेजेंटली वर्किंग विद करंट एम्प्लॉयर, अगर आप कर रहे हो तो आपको यस करना है उसी बंदे के साथ जहां पर आप अभी काम कर रहे हो। तो अगर आप नहीं कर रहे हो फिलहाल काम तो आपको यहां पर नो करना है। इसके बाद दोस्तों डेट ऑफ ज्वाइनिंग यानी कि कब आपने वो जॉब ज्वाइन की थी वो डेट मंथ ईयर आपको सेलेक्ट करना है, कब आपने वो जॉब छोड़ी थी वो डेट मंथ ईयर आपको सेलेक्ट करना है, और आपकी जॉब रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या थी उसके बारे में थोड़ा शॉर्ट में आपको बता देना है। और ये करने के बाद आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। सेव के ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने फोटो साइन एंड डॉक्यूमेंट अपलोड करने की जानकारी आ जाएगी। यहां पर जो आपको फोटो अपलोड करना है इसका साइज 20 से 50 KB, और जो उसका बैकग्राउंड है वो आपका प्लेन या फिर लाइट कलर का होना चाहिए। तो यहाँ पर चूज फाइल के ऊपर क्लिक कीजिए, और जहाँ पर भी आपका फोटो है वो आपको अपलोड करना है। तो चलिए मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद आपको सेम तरीके से यहाँ पर जो आपका सिग्नेचर है इसको अपलोड करना है। चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके जहाँ पर आपका सिग्नेचर है वो आपको सिलेक्ट करके यहाँ से ओपन करना है, और ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको अपलोड फाइल्स के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप देखोगे कि आपके यहाँ पर फोटो और सिग्नेचर दोनों अपलोड हो जाएंगे। नीचे आपको देखने को मिलेगा अपलोड हाई स्कूल सर्टिफिकेट यानी
टेंथ की मार्कशीट जिसका जो साइज है वो 100 से 300 के बी के बीच में होना चाहिए। साथ ही आपको अपलोड फाइनल ईयर मार्कशीट बी बीटेक एलएलबी एनकी इनमें से जो भी आपने क्वालिफिकेशन की जानकारी दी है उसके फाइनल ईयर की मार्कशीट आपको यहाँ पर अपलोड करनी है। साइज सेम रखा गया है और इसेंशियल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट यानी कि जो आपकी जरूरी क्वालिफिकेशन है जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन में आपने दी है ग्रेजुएट या जो भी दी है वो यहाँ पर आपको अपलोड करनी है। अगर आपने जो आपकी बी बीटेक है या फिर ग्रेजुएट की दी है तो आपको यहाँ पर सेम सर्टिफिकेट अपलोड कर देना है, बट ऊपर आपने फाइनल ईयर की मार्कशीट अपलोड की है नीचे आपको सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। इसमें थोड़ा अंतर ये है, अपलोड आधार कार्ड यानी कि जो आईडी आपने सेलेक्ट की थी उसका आईडी का फोटो यहाँ पर आपको अपलोड करना है। चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके सेम तरीके से करना है जैसे कि आपने यहाँ पर टेंथ की जो आपकी फोटो और सिग्नेचर अपलोड किए हैं। इसमें जो फॉर्मेट है वो आपका पीडीएफ जेपीजी और जेपीजी का रखा गया है यानी कि इनमें से किसी भी फॉर्मेट में आप यहाँ पर इन डॉक्यूमेंट को अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने सभी डॉक्यूमेंट अपलोड कर लिए जैसे कि आप देख सकते हो और आप यहाँ से अपने डॉक्यूमेंट जो आपने अपलोड किया है वो आप क्लिक हेयर टू व्यू के ऊपर क्लिक करके व्यू कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, आपको वैलिडेट डिटेल्स के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद बेसिकली आपने जितनी भी जानकारी अभी तक इस फॉर्म के अंदर भरी है उन सभी का प्रीव्यू आप देख सकते हो। अगर आपको लगता है कि कहीं पर कोई जानकारी गलत है तो आप उसको अभी भी सही कर सकते हैं। तो यहाँ पर जानकारी को चेक करने के बाद आपको क्या करना है, अगर आपको कोई जानकारी गलत लग रही है तो एग्जिट कैंसिल के ऊपर क्लिक कीजिए। अगर लग रहा है कि आपकी जानकारी सही है तो आपको यहाँ पर सेव नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर आना है, फिर से सेव नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है, ये जानकारी आपको कन्फर्म कर लेनी है। इसके बाद अब आपको सेव डिटेल्स एंड पे फी के ऊपर क्लिक करना है। तो चलिए हम यहाँ से क्लिक करते हैं और उसके बाद ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद आपके सामने इंटरफेस आएगा। अब आपको यहाँ पर पे नाउ के ऊपर क्लिक करना है। पे नाउ के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर किया जाएगा जहां पर दोस्तों आप इनमें से जिस माध्यम से चाहिए अपनी एप्लीकेशन फीस को जमा कर सकते हैं। आपके सामने यहां पर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट यानी कि जिस भी माध्यम से चाहे उस माध्यम से आप फीस को जमा कर दीजिए। मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप नेट बैंकिंग के माध्यम से फीस को जमा करें। इसके माध्यम से फीस जमा करने पर बहुत कम चांसेस होते हैं फीस के अंदर एरर आने के। तो जैसे ही आपकी फीस जमा हो जाएगी आपको इस फिर से इसी वेबसाइट के ऊपर डिडक्ट किया जाएगा जहां से आपने फॉर्म फिलअप करना स्टार्ट किया था और यहां से आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाओगे। इस प्रकार से दोस्तों आप उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि यूपीसीएल असिस्टेंट इंजीनियर एंड अदर पोस्ट ऑनलाइन फॉर्म 2021 को भर पाओगे। आई होप ये जो प्रोसेस है वो आपको पसंद आया होगा। अगर आया है तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और साथ ही साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोज के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। जय हिंद दोस्तों।